which is fantastic. And at the moment, to talk about what the Congress thinks about it is our old friend Mr. Bharat Soni. Bharat Soni sahab, namaskar. Rajiv ji, namaskar. Vande Mataram sir. Vande Mataram sir. Vande Mataram. How are you? Vande Mataram sir. To sir, Jai Bhavani. Jai Bhavani. Jai Shivaji. Jai Shivaji. Jai Bhavani. Jai Shivaji. Sir, to Ajit Dada to chale gaye sir. अब क्या होगा सर? आपको आवाज आ रही है सर? बहुत कम आ रही है. अरे भाई साहब, वॉल्यूम का कुछ कीजिए. भरत सोनी साहब अगर नहीं सुन पाएंगे तो आगे क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी. कांग्रेस अगर हमारी बात नहीं सुन पाई तो पता नहीं क्या होगा हम लोगों का. जब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो मतलब हमारा भी वही हाल होगा जो बाकी सब लोगों का हो रहा है इस वक्त. सर, आप ये बताइए, अब तो अजीत दादा पवार चले गए, अब क्या होगा सर? सर, अब कुछ नहीं होगा सर. अजीत दादाजी गए हैं तो अभी देखते हैं थोड़ा और दिन, क्योंकि अजीत दादाजी का ऐसे इतिहास है कि वो वापस भी लौट आते हैं जी. तो हम लोग उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ही नेता है वो, हमारे साथ महाविकास आघाड़ी में थे. तो आगे देखते हैं वो कितना दिन वहां पर रहते हैं और कितना वहां पर डिससेटिस्फेक्शन होता है और कितने लोग फिर से लौट आते हैं, क्योंकि अजीत दादाजी गए हैं एनसीपी फैक्शन से, इसलिए मैं उनके पार्टी के फैक्शन के ऊपर बात करना ठीक नहीं है. लेकिन अजीत दादाजी हमारे भी बहुत प्रिय नेता रहे और बहुत ही डैशिंग नेता रहे, और वो हमसे महाविकास आघाड़ी से गए हैं तो दुख जरूर होता है. लेकिन किस प्रकार से आगे चल के राजनीति चलती है, अभी दो चार दिन, ये हफ्ते भर में पता चल जाएगा. जब ये जो विधायक लोग हैं, 16 विधायक और 14 विधायक लोग के ऊपर जो नोटिसेस सभापति ने दी है, उसके ऊपर क्या होता है, क्या जजमेंट आता है, तब पता चल जाएगा कि कौन कहां पर और कैसे है. बट भरत सोनी साहब, हैज मिस्टर मोदी बीन एबल टू डिस्ट्रॉय द एमवीए, जो वोट शेयर था एनसीपी 17%, कांग्रेस 16%, उद्धव सेना 16%. आज उद्धव सेना बढ़ गया है, शरद पवार साहब के पार्टी बढ़ गया है, कांग्रेस रिमेन स्टेबल, एंड ये जो एक सर्वे बीच में आया था कि यू आर विनिंग एवरीथिंग, 40 out of 48 लोकसभा सीट्स एमवीए इज गोइंग टू विन. आज भुजबल साहब बाहर आ गए, ओबीसी बड़ा कद्देवर, ही इज अ बिग लीडर अमंग द ओबीसी मास लीडर. यू गॉट सुनील तटकरे, मास लीडर ओबीसी कम्युनिटी इज कंसर्न. तो ये दिग्गज लोग सब अब आज बीजेपी के साथ है, यू नो अलायंस. तो योर वोट शेयर हैज ड्रास्टिकली फॉलन एज मिस्टर शरद पवार लॉस्ट द एंटायर बेस वे ओबीसी इज कंसर्न. उद्धव जी तो पूरे उनके 40 लोग और नीलम गोरे भी गई, तो रोज 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 यू नो डिमिनिशिंग. तो ओनली कांग्रेस स्टैंड स्टॉल इन दिस, कांग्रेस स्टैंड स्टॉल, बट जो प्रोजेक्शन था वोट शेयर विनिंग, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज गॉन. हाउ डू यू सी सर? Pradeep ji, you have raised a very valid question and a very reasonable points you have raised. See, till the time jab tak hamare saath Uddhav Thackeray ji hai, Sharad Pawar ji hai, aur dekhiye hamare Congress party intact hai. Congress party mein se ye log naye naam, pehle Ashok Chavan ji ka naam lete the, ha, phir dusre kisi neta ka naam liya, अब किसी और नेता का नाम ले रहे हैं कि ये लोग जाएंगे. तो ये कांग्रेस पार्टी से कोई जाने वाला नहीं है. हम लोग जब महाविकास आघाड़ी बनी थी, उस समय हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने हमें वहां से मंत्र दिया था कि हमें जो हमारे जो महाविकास आघाड़ी के नेता है श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, उनको सपोर्ट करना है और उनके साथ रहना है. तो आज भी हमारे कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं गया नहीं है. हमारे सारे के सारे विधायक हमारी पार्टी, उस समय की पार्टी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी के शब्दों को बिल्कुल बिल्कुल मानकर कोई भी एक हटा नहीं है. ये तो हुई हमारे महाविकास आघाड़ी की बात. प्रदीप जी, अगर आप थोड़ा सा पिछला इतिहास देखें, 2019 में जब ये जो दो पार्टी को मैंडेट देने वाली बात ये लोग करते हैं बीजेपी वाले, तो देखिए अगर वो लोग बोलते हैं कि शिवसेना और बीजेपी के कारण, यानी मोदी जी के कारण शिवसेना और वो लोग दोनों को 105 और वो जो 84 लोग उनकी सत्ता आई,
अगर ये हम लोग मान लेते हैं तो उस समय तो उद्धव जी क्या मांग रहे थे, उद्धव जी खुद के लिए चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मांग रहे थे। उस समय शिवसेना के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे जी थे। तो इन लोगों ने 250 अभी इतना सब करने के बाद अगर देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री ही रहने वाले हैं तो उस समय अगर पहला वो तो 250 ही मांग रहे थे और उद्धव जी खुद के लिए नहीं मांग रहे थे, वो तो शिवसेना के किसी भी कार्यकर्ता के लिए मांग रहे थे। अगर वो दे देते तो ये सारा जो 2 साल से जो जो ये खिचड़ी यहां पर हुई है वो हमारे महाराष्ट्र की जो प्रतिमा है पूरे देश में, महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव राज्य था, आज हमारे महाराष्ट्र की प्रतिमा थोड़ी सी मलिन हुई है। क्यों? जिस प्रकार से ओछी राजनीति और सिर्फ सत्ता की राजनीति जो चल रही है वो देखकर हर महाराष्ट्रियन दुखी हुआ है, और वो दुखी हुआ है उसके कारण फिर से महाविकास आघाड़ी के प्रति वो लोग जरूर वोट देंगे। छगन भुजबल जी, अजीत दादा जी, तटकरे जी और ये सारे नेता उनके साथ जाने दीजिए, लेकिन जो बेस है शरद पवार साहब जब निकलते हैं तो वो आम कार्यकर्ता के पहले नाम से जानते हैं और वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनका फॉलोइंग है, वो हमारे साथ है। उद्धव जी के लिए आज भी शिवसेना का जो ग्रास रूट वर्कर है वो अभी भी उद्धव जी के साथ है। और मुझे पता नहीं नीलम गोरे जी को क्या कम पड़ गया, नीलम गोरे जी को मैं फॉलो करता हूं और एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता मान रहा हूं। 1984 में वो हमारे गुरुदास कामत जी के सामने लड़ी थी, तब से मैं उनको जानता हूं। उनको कितने कितने बार उनको विधानसभा में एमएलसी के तौर पर लाया गया और क्या देखने के बाद उन्होंने छोड़ा, आज मुझसे बहुत बड़ा प्रश्न है। वो सभी के मन में प्रश्न है सर, अकेले आपके ही मन में प्रश्न नहीं है, सभी के मन में है। वो क्या देखा उन्होंने क्या नहीं देखा वो कुछ मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ ये तो आपने अर्जुन और दुर्योधन वाली बात कर दी। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी सेना एक तरफ लड़ेगी और मैं दूसरी तरफ रहूंगा, तो आपने कहा हमें शरद पवार चाहिए। वो क्या है, उद्धव ठाकरे जी चाहिए। वो सतरंगी और अपतरंगी जो सेना है वो नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन सर ये सर अपतरंगी और सप्तरंग उनको मैं नहीं कहता हूं क्योंकि ये उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग है। लेकिन सर बाला साहब ठाकरे के टाइम पे जो शिव सैनिक काम करते थे और अभी ये जो शिव सैनिक जो उद्धव जी और आदित्य जी के साथ है वो बहुत ही सोबर है, और उससे उनको जो मिडिल क्लास जो है और अपर मिडिल क्लास के लोग जो मराठी वोटर्स है उनका जो सपोर्ट उद्धव जी और आदित्य ठाकरे जी के कारण मिला है वो सचमुच काबिले तारीफ है। तो लेकिन यहां पर ये बात तो ठीक है, ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और वही चीज आप कह रहे हैं कि शरद पवार जी के साथ भी एनसीपी का जो वर्कर है ज्यादातर शरद पवार जी के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो यहां पर कांग्रेस का हुआ है सर। अब तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई, एनसीपी भी खत्म हो गई, शिवसेना भी खत्म हो गई, अब आप रह गए एक तरफ रह गई बीजेपी, एक तरफ रह गए नरेंद्र मोदी, एक तरफ रह गए राहुल गांधी, अब तो कोई बीच में बचा ही नहीं सर। भरत सोनी साहब, देखिए राहुल जी का जहां तक प्रश्न है जी, राहुल जी को आप कितना भी प्रताड़ित करिए, आप उनको कितना भी दुख दे, आप उनको किसी प्रकार से निष्कासित करें, लोकसभा में उनको आने नहीं दे, तो लोगों में तो घूम सकते हैं वो जी। आपने उनको राहुल जी ने क्या प्रश्न पूछा था उनको गलत, राहुल जी ने यही पूछा था कि आपके फॉरेन टूर्स के ऊपर जब जाते हो तो अडानी और अंबानी जी जाते हैं कि नहीं, अगर उसके बाद जाते उनको कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और ये अगर आप देखें तो जापान की टूर के बाद, ऑस्ट्रेलिया की टूर के बाद, मलेशिया की टूर के बाद, ईरान की टूर के बाद, ओमान, स्वीडन और फ्रांस के टूर के बाद डिफेंस, लॉजिस्टिक और पावर्स में सेक्टर में कितने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो सर ये जब देने के बाद वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको आप पुराना केस निकाल के, और सर जिस पूर्णेश मोदी जी ने जिसके ऊपर 1 साल कुछ नहीं करने के लिए
उन्होंने बताया था कि भाई ये इसको अबेंस में रखिए, वो फिर से आते हैं, बेंच के जज चेंज होते हैं और उसके बाद वो केस चलता है। तो सर ये सारी दुनिया देख रही है, सारे हमारे भारत के नागरिक देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको एक व्यक्ति को लोकसभा में नहीं आने देना है और एक व्यक्ति को लोकसभा में नहीं बोलने देना है, यही मात्र आपका काम है। और आपको डर है सर, ये डर जो राहुल जी का है वो सचमुच आज बहुत ही तकलीफ देने वाला डर है इनको। और वो लोग सोनी साहब, यू नो द बीजेपी डिफर्स व्हेन चिदंबरम साहब ने भी यही स्टेटमेंट बोला आज की, यू नो द एंटायर पर्पस ऑफ मोदी डिफॉर्मेशन केस इज टू डिस्क्वालीफाई मिस्टर राहुल गांधी। चिदंबरम आगे जाके कहता है कि पूरे 162 ईयर्स के इंडियन पेनल कोड के इतिहास में इस सेक्शन में 2 साल का सजा हुआ ही नहीं है। Never happened. 162 years, it has never happened. Never happened. So this entire process is to disqualify Mr. Rahul Gandhi, keep him out of parliament, see that he doesn't contest the elections. But the BJP, अभी आप चेनार साहब थे, आपके से पहले आप देखोगे मिलेंगे। No, when it says all he had to do was apologize. Why didn't he apologize? Rahul Gandhi अगर apologize कर लेते तो ये सब होता नहीं था। तो यू दे बिलीव दैट यू आर यू द कांग्रेस इज पॉलिटिसाइजिंग द एंटायर थिंग। आपका सिर्फ इसमें पॉलिटिक्स खेलने वाली बात है। इफ राहुल गांधी हैड अपोलोजाइज्ड, नथिंग ऑफ दिस वुड हैपन। हाउ डू यू गोइंग टू कन्विंस द पीपल सोनी साहब? प्रदीप जी सी आई एम माय मदर टंग इज गुजराती, दो ऑल्दो आई एम ए मुंबईकर, माय मदर टंग इज गुजराती। See, the people whom they are referring to, that is Modi community, और 12 करोड़ मोदी कम्युनिटी के लोग जो है उसमें से किसी ने राहुल जी के खिलाफ मानहानि का दावा नहीं किया, केवल 3 बीजेपी एक्टिविस्ट ने किया। तो बाकी की कम्युनिटी को राहुल जी जो बोले वो समझ में आ गया, लेकिन इन तीनों लोगों को ही समझ में नहीं आया। सर राहुल जी ने क्या कहा था कि मोदी नाम के लोग, मोदी कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं कहा था सर। और मोदी वो रेफर कर रहे थे नीरव मोदी और मेहुल और जो सारे बाकी के मेहुल चौकसी और ललित मोदी, नीरव मोदी तो सर ये सारे उनके बारे में बोल रहे थे। और जतिन मोदी सर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोल रहे थे सर, लेकिन इन लोगों ने उसको उस कम्युनिटी के नाम से कराया और पूरी चर्चा पूरे देश में उसके ऊपर एक हंगामा खड़ा किया। तो राहुल जी क्यों मांगेंगे माफी सर? राहुल जी तो तैयार है जेल जाने को भी। हम लोग जो कायदे लॉ द्वारा प्रस्थापित जो सारी संस्थाएं हैं, जैसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह जाएंगे। और उस जाने के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट न्याय करती है वो हमें मंजूर होगा, लेकिन उसके बाद जनता की अदालत है। सर राहुल जी तो पहले ही कह रहे थे कि आप लोग इसमें ये अपील में भी मत जाइए कुछ नहीं, मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन हमारे पार्टी के सारे आला कमान ने उनको कहा कि हम लोग ये अपील में जाते हैं और जो जितने भी जो लॉ द्वारा प्रस्तापित सब संस्थाएं हैं उनके पास पहले हम लोग अपील करते हैं, और उस अपील में अगर हम लोगों को नहीं नहीं जजमेंट मिलता है तो हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। तो सर राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे उनसे, उन्होंने किसी कम्युनिटी को नहीं कहा है। लेकिन एक चीज तो है भरत सोनी साहब, जो कांग्रेस के हिमायती हैं, जो आज तक कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे और फिर जरा भटक गए थे, चले गए थे दूसरी पार्टियों में, जैसे मुस्लिम वोट है, ओबीसी वोट है, ओबीसी वोट वैसे भी इतना ज्यादा आपके साथ नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत था, शेड्यूल कास्ट वोट आपके साथ तकरीबन पूरा ही था, ये सब लोग जो राहुल गांधी जी के साथ बर्ताव हो रहा है उसको देखते हुए और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा देखते हुए बहुत लोग आपके साथ अब आ रहे हैं। और साथ में सोने पे सुहागा आपके लिए जो बोनस है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ गया, तो मतलब मुसलमान तो आपके साथ ही हो गए बिल्कुल। भरत सोनी साहब, सर देखिए राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो एक परिवर्तन रैली थी, वो सिर्फ यात्रा नहीं थी। और देखिए सर राहुल जी ये सबको मिलने के बाद आपको पता चला होगा कितने रिफॉर्म्ड और मंजे हुए नेता करके उभर के आए हैं सर। इतने लोगों को जो रास्ते में मिले,
आज भी देखिए वो खेतों में जाके देख रहे हैं, किसी मोटरसाइकिल की दुकान में जाके वो देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल की दुकान में उस पार्ट्स को कैसे रिपेयर करने का वो देख रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। ट्रक में घूम के वो इंडिया के ट्रकर्स की क्या हालत है और विदेशों में ट्रकर्स की क्या हालत है ये देख के कल नितिन गडकरी जी को भी वो हरी झंडी देनी पड़ी वो कायदा लाने के लिए कि ट्रकर्स के कैबिन में एसी होगा। तो देखिए सर, राहुल जी आम आदमी के लोगों के बीच में जाके आम आदमी की व्यथा सुनकर ये सारा ला रहे हैं और उसके कारण ये सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती। और यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं, उनको मणिपुर जाने से डर लगता है। वो विदेशों में सब जगह पे घूम के आ पा रहे हैं लेकिन मणिपुर के मन नाम से घबराते हैं और वहां पर नहीं जा रहे। आज सोनी साहब उनका कहना है, बीजेपी का कहना है, मिस्टर मोदी का कहना है, चार पीढ़ी कांग्रेस का और एक अकेला मोदी जी, और उन्होंने जो आपके मुस्लिम अपीसमेंट के बारे में कहा, तुष्टिकरण के राजनीति, कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स, बार बार लोगों को याद दिला रहा है कि देखो राजीव गांधी ने क्या किया। राजीव गांधी जी ने शाह बानो केस को ओवरटर्न कर दिया, मुस्लिम महिला को जो प्रोटेक्शन मिलना था उसको उल्टा करके पर्सनल लॉ में डाल दिया। बट मोदी जी ने ट्रिपल तलाक लेके आके मुस्लिम वुमन को लिबरेट किया, उनको इंडिपेंडेंस दिया थोड़ा बहुत। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मुसलमान के फायदे में है, मगर कांग्रेस लोगों के मन और दिमाग को ये तो करके उसको मिसगाइड कर रहे हैं। द कांग्रेस इज मिसगाइडिंग द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट इज व्हाट द बीजेपी चार्जेस। शाबानो केस, ट्रिपल तलाक, एंड दे से द पशमंदा मुसलमान द कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द मुस्लिम रेस, दे आर सपोर्टिंग, इनफैक्ट दे कम ओपनली इन फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। तो सोनी साहब, डू यू थिंक मिस्टर आपका जो राजनीति था कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स, मिस्टर मोदी हैज पेनिट्रेटेड दैट टू ट्रिपल तलाक एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाउ डू यू सी सर? एब्सोल्युटली नॉट सर, एब्सोल्युटली नॉट सर। एट द मोमेंट वी आर नॉट टचिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। दी सर, द वे ऑफ ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड व्हेन देयर आर ओनली 9 to 10 months फॉर द इलेक्शन इज अ मिस्चीवियस एक्ट। मुस्लिम लोग दंगा करेंगे, मुस्लिम लोग भड़क के इसके ऊपर जाएंगे, रास्ते पे तोड़फोड़ करेंगे, वो पोलराइजेशन होगा और हिंदू लोग हमको एनमास वोटिंग करेंगे, ये सारी मंशा है उनकी। तो सर इसलिए हम लोग इसके ऊपर अभी कुछ नहीं बोल रहे सर। मुस्लिम, लेट द मुस्लिम्स डिसाइड कि वो क्या करना है उनको, और सर अभी तक हमने उसको कुछ नहीं कहा है। और अगर मुस्लिम सर, हमें भी पता है कि मुस्लिम वोटर्स को आज सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा है और सबके ज्यादा जो अगर किसी पे फेथ है, किसी नेता में भरोसा है, तो वो है राहुल जी के ऊपर। और अगर वो इतना अगर हम पे विश्वास डालते हैं तो हम उनका विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है, हम बाकी सभी धर्मों के साथ भी, हम किसी भी धर्म के लिए नहीं है, हम सर्वधर्म संभाव के लिए है, सेक्युलरिज्म में मानते हैं। सोनी साहब, जैसे बीजेपी कैंपेन इज सेइंग द बीजेपी जो कमर तोड़ दिया है करप्शन, ऑर्गेनाइज करप्शन जिस प्रकार से पूरे देश में फैला हुआ था, उनका कहना है कि लोगों लूट काल बोलते, लूट काल ना अमृत काल, अमृत काल बीजेपी का और लूट काल कांग्रेस के। बोले कांग्रेस के 2014 तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्टैटिस्टिक्स है, only 5000 crores worth of asset had been attached and there was zero conviction, and he says look, after Mr. Modi took over the enforcement directorate ke attachment has gone to 99000 crore and there are 40 more than 40 convictions, conviction rate. To jis prakar se corruption ka kamar tod diya hai modi ji ne, to how do you see it? Enforcement directorate aapne kaha ke misuse ho raha hai, but Mr. Modi ji ne dikha diya, BJP ne statistics ke madhyam se dikha diya ke they have been ruthless against organized corruption and then destroyed the backbone of the corrupt. How do you see it sir? Sorry sir. The amrit kal what you say has been changed now and it has become kartavya kal. See, Modi ji has recently announced at a meeting that now it will be named as Kartavya Kal. So, wo Kartavya kiska hai sir? Kartavya unka nahi hai.
कर्तव्य देश की जनता का है उनको बर्दाश्त करने का है। सो और हम लोग तो चाहते हैं कि करप्शन के सर जिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन में रंगे हाथ पकड़े गए हैं वो कम से कम करप्शन के बारे में तो और किसी को ना बताए। तो सर अगर उतना कन्विक्शन हुआ है ईडी ने अगर कितना है इतना कन्विक्शन किया है तो वो काबिले तारीफ है और करना ही चाहिए सर। करप्ट फ्री गवर्नमेंट लाना सर करप्शन सर कन्विक्शन नहीं है ये अटैचमेंट है। हाँ सर सॉरी सॉरी अटैचमेंट्स अगर उतने किए हैं तो वो सचमुच काबिल है लेकिन उसमें सर सिलेक्टिवली नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक पार्टी के लोग सर पूरे के पूरे बीजेपी के नेता के ऊपर कोई ईडी का और इनका सीबीआई का रेड नहीं सर। कन्विक्शन रेट ईडी में अभी भी 1.2% है या 1.3% है उससे ज्यादा बड़ा नहीं ये भी बता दूं आपको। जो जो आपके वक्त था वही कन्विक्शन रेट अभी उतना ही केसेस बढ़ गए हैं अमाउंट बढ़ गया है दैट्स इट वो हुआ है। तो सर हम तो चाहते हैं सर हम तो चाहते हैं कि ये करप्ट फ्री इंडिया रहे जहां पर करप्शन ना हो लेकिन अभी अभी हम लोग कर्नाटका में देख चुके हैं सर कि लोगों ने क्या मैंडेट दिया जन आधार और जनादेश कर्नाटका की जनता ने क्या दिया है कि वहां पर 40% कमीशन चल रहा था। तो सर वो हमको अगर करप्शन के ऊपर अगर जो बात करे तो ये ठीक नहीं है। वो लोगों ने उनके काम के बारे में कि आपने आपने भाव बढ़ाने भाव कम करने में क्या किया अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में क्या किया आप जो काला धन वहां से लाने वाले थे उसके ऊपर क्या है ये सारी बातें 9 साल के 9 बेहाल के अंदर हम लोग सब लोग बता चुके हैं सर। तो जी रोज बात उसमें कोई दोरा नहीं आज की तारीख में कीमतें जो है सबसे ज्यादा है मतलब आज भी टमाटर की प्राइस जो है क्या 150 रुपए है शायद मुंबई में जाते बिल्कुल सर पेट्रोल से सस्ता है सर पेट्रोल सस्ता है टमाटर से करेक्ट 150 रुपीज अ किलो एज फार एज टोमेटो का कंसर्न मतलब आज तक इतने नहीं हुए और हैदराबाद में तो 200 रुपए के बिल्कुल सर 200 रुपए के मतलब वो तो और अदरक की तो बात ही छोड़ी वो तो 250 रुपए गया है मतलब उसकी तो अजीब अजीब मसला ऐसे होता है यूजुअली जून महीने के अंदर ऐसे होता है जी होता है ये मानते हैं हम लोग कि ये सारे प्राइसेस लेकिन सर वो भी इतना इतना महंगा नहीं होता है तो इसको कंट्रोल करना और किस प्रकार से सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन करना ये एग्रीकल्चर पॉलिसी का भाग है। तो अगर वो लोग ये सारी बातें अगर सबको समझा सकते थे किसान बिल के टाइम पे तो अभी यूसीसी के टाइम पे क्यों नहीं जाके समझा रहे। जी दुरुस्त बात लेकिन अभी आप बताएं सर अभी आप बताएं चलिए ये तो हो गया एनसीपी जो है भले ही आप जो मर्जी कह लें कि सिर्फ शरद पवार श्री कृष्ण की तरह आपके साथ हैं उद्धव ठाकरे जी भी आपके साथ हैं बड़ी अच्छी बात है लेकिन स्थानीय वस्तु स्थिति यह है कि एनसीपी टूट गई। एनसीपी के जो जितने बड़े दिग्गज नेता थे बड़े बड़े एक या दो को छोड़ के अनिल देशमुख जी उस तरफ हैं जयंत पाटिल उस तरफ हैं हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब भी उस तरफ हैं और तो और छोड़िए दिलीप वलसे पाटिल भी उधर चले गए अजीत दादा पवार के साथ तो उससे फर्क तो पड़ेगा सर ऐसी ऐसी बात तो नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांग्रेस इसमें अब क्या करेगी आप लोगों की रणनीति क्या होगी क्या आप लोग सोच रहे हैं अभी भी एमबीए के साथ ही जाने में या जाने की बात सोच रहे हैं या फिर कांग्रेस अकेले लड़ेगी महाराष्ट्र में। सर राजीव जी देखिए 17 शिवसेना की ऐसे शिवसेना के 17 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी के लोगों को हराया है जी 16 ऐसे हैं जहां राष्ट्रवादी ने शिवसेना को हराया है। तो सर अगर ये लोग करते हैं तो किस प्रकार से वहां पर टिकट बांटेंगे ये लोग सर जो जीतेगा उसी को देंगे जो पिछली बार जीता था उसी को देंगे सर और क्या देंगे सर तो फिर वो तो फॉर्मूला है ना सर कि सर जो उसका शिवसेना के एकनाथ शिंदे फैक्शन के साथ जो है उसको भी तो वहां लड़ना है इसलिए आज अदिति तटकरे को वहां का गार्डियन मिनिस्टर बनने से मना कर रहे उसी के संगठन के लोग और उन्हीं के जो अभी है जो शिवसेना बीजेपी एंड राष्ट्रवादी आघाड़ी के आपस में ही वहां पर लड़ाई है कि इनको न बनाया जाए और जो लोग बेचारे मंत्री बनने के लिए गए थे वो लोग तो बेचारे नाराज हो गए उसमें से कुछ लोग आने के लिए तैयार है। तो सर हम लोगों ने हम लोग अभी भी
आज की डेट में भी हमारे यहाँ पर हमारे नेता ये एक साथ लड़ने क्या ही हम प्रण कर रहे हैं, और जो उद्धव ठाकरे फैक्शन, शरद पवार जी का फैक्शन और कांग्रेस, यही लोग हम लोग मिलके लड़ेंगे और मिलके हम लोग ये अपोजिट ताकते हैं उनको हराएंगे हम लोग। सोनी साहब, आप एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डिस्ट्रॉइंग द रीजनल पार्टी सर। आप देखो, जैसे जैसे ही आप ये सब देख रहे थे कि शरद पवार साहब फूट गए, ये यू स्ट्रेट अवे वेणुगोपाल जी ने प्रकाश अंबेडकर जी को फोन किया, आपने कहा कि व्हाई डोंट यू कम विद अस, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर बेस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज ये जो रीजनल पार्टीज बना था ये कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस के ही फूट के रीजनल पार्टीज बना था। एंड नाउ इट्स अ टाइम महिला, दलित, ओबीसी, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, आप एग्रेसिवली कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हो, और जब आप कांग्रेस के साथ इनको आप एग्रेसिवली जोड़ते हो तो बिगेस्ट लूजर्स आर द रीजनल पार्टीज, और लिप सर्विस देते हो कि हम सबको साथ में लेके जाएंगे, हम सब हमारा पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, बट यू आर राइट नाउ एग्रेसिव, रूथलेस, एंड यू नो यू आर एनलॉजिंग एंड कंसोलिडेटिंग योर पार्टी, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो आर वी सीइंग द एंड ऑफ द रीजनल पार्टी सर? सोनी साहब, प्रदीप जी, एब्सोल्युटली नॉट, प्रदीप जी एब्सोल्युटली नॉट। सी, प्रकाश अंबेडकर जी ऑफ द वंचित आगाड़ी इज गोइंग टू गेट दिस सीट्स आउट ऑफ उद्धव ठाकरे शिवसेना कोटा। सी, दी हैंडलिंग प्रकाश अंबेडकर जी इज उद्धव जी इज हैंडलिंग इट, बट वेणुगोपाल जी ने जो कहा था इट वॉज जस्ट ए कर्टसी कॉल के वो हमारे साथ है, हम भी आपके साथ है, और प्रकाश अंबेडकर जी का और उनका एक कर्टेसी मीटिंग थी, उसको दूसरा और कुछ नहीं। और हम लोग किसी भी, सर देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी रीजनल पार्टीज को खत्म करती है उस प्रकार से हम लोगों ने कभी भी हमारे अलायंस पार्टनर को खत्म नहीं किया है। सर आज भी हम लोगों ने, अगर जो विरोध पक्ष के नेता का रोल है जो जितेंद्र आवाड़ जी को बना रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने भी कुछ नहीं कहा है, आपने अपोज किया, आप बोलेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा है, हमारा हक का है, एंड दैट इज ट्रू। सर आपका हक का है, आप क्यों छोड़ेंगे? हमारे लोगों ने हमारा हक है, ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ नंबर्स वी हैव गॉट दैट, लेकिन हम लोग उनको ये नहीं करेंगे कि आज तुम्हारी स्थिति कमजोर है तो हम लोग उसका फायदा लेके हम लोग वो ले नहीं लेंगे, और हम लोग हमारे इंटरनल पार्टी। भरत सोनी साहब, ये आपके हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है, और आप छोड़ने वाले हैं, ये कांग्रेस के नेतृत्व के हाथ में है, जो इंस्ट्रक्शन आएगी आपको वही करना पड़ेगा। और लॉजिकली अगर मान लीजिए इट इज रिकग्नाइज्ड कि 31 या 32 या 36 या 40 जितने भी लोग अगर अजीत दादा पवार के साथ चले गए हैं तो एलओपी तो आपका ही होगा सर, एलओपी तो कांग्रेस का ही होगा, मतलब उसके अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज नॉट, अनलेस जितेंद्र अवार्ड साहब जॉइंस द कांग्रेस, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन यू अपॉइंट हिम एज द ऑपोजिशन लीडर, एंड यू मेक हिम कंटिन्यू एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट सर, बट द ग्रोथ ऑफ द कांग्रेस हैज बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव, कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क, वी आर वेरी हैप्पी टू सी द कांग्रेस कमिंग बैक इनटू इट्स ओन, यू रियली आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। Really and truly. Thank you, Rajiv. Thank you very much. All the very best. Namaskar. Thank you very much for saying so. Namaskar, sir, and Vande Mataram. Thank you very much. Pradeep ji, thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Namaskar and Vande Mataram, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you very much. Really and truly lovely. Now, with a very, very strong.